आईएसएल जीतना कितना बड़ा था आपके लिए पर्सनली? पर्सनली मैं क्या बोलूं, मैंने जो एक एक दिन गया बेंगलोर पे, मैं पहले जब बेंगलोर पे पहले जब स्टार्ट में गया, मेरे को सडनली मेरे को फ्लैट नहीं मिल रहा था, क्योंकि उधर में सडनली सिंगल किसी को नहीं देता है फ्लैट, वो लोग बहुत ये करते हैं। मैं एक अपार्टमेंट में था, 3 BHK अपार्टमेंट में था, तो पहले मैं 2-3 दिन थोड़ा इंजीनियर लड़का लोग का साथ था शेयर करके 3 बेडरूम में, तो मेरे को दिक्कत हो रहा था, क्योंकि उन लोग का लाइफ है, दूसरा लाइफ है उन लोग का जो भी लाइफ है पता है आपको, रात को सोता है, फिर उन लोग का शाम, उन लोग का लाइफ है, तो उसमें मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा था मेरा लाइफ। मेरे को सोना है, मेरे को ट्रेन करना है, लेकिन वो लोग बात कर रहे हैं, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सकता है, क्योंकि वो भी पैसे से है। तो फिर मैं सडनली मैं इमिडिएटली मैं एक जगह में बात करके, इमरजेंसी बात करके, मैंने एक नोएल जो फिजियो था वो भी बेंगलोर का था, तो मेरे को अरेंज करके दिया। तो फिर उधर में मेरे को एक एक दिन मेरे को जो किया, प्लेयर के लिए जो होता है उसको ही पता है जो कैसे मेहनत करना पड़ता है इंजरी का बाद, क्योंकि जीरो से स्टार्ट करता है, न्यू इंजरी मतलब 10 महीना तो कुछ नहीं कर सकता है। तो उधर से वापस आके टीम में आके खेलना, फिर टीम से एक जगह में जाके फाइनल जीतना, मतलब वो मैं आपको अभी भी बता नहीं सकता है, लेकिन मेरा जब से मैं खेल रहा है 2010 से मैं प्रोफेशनल खेल रहा है, मेरा इस साल 2016 में भी चैंपियन हुआ मैं, लेकिन मेरा सीजन भी बोलो तो मेरा ड्रीम सीजन गया और मैं चैंपियन भी हुआ, तो मतलब ये सीजन तो मेरा बेस्ट ही रहेगा। मेरे को पता नहीं नेक्स्ट मैं अगर 10 साल मेरे को खेलने का मन है, पता नहीं हाउ लॉन्ग, बट मेरा मन है, फिर इंजुरी प्लेयर लोग का आता ही है, तो पता नहीं मेरे को क्या आएगा, लेकिन मैं बोलेगा मेरा अभी मैं बोल रहा मेरा बेस्ट सीजन क्यों ये बोल रहा है, क्योंकि मैं इंजुरी से आके एक इजी नहीं होता एक प्लेयर के लिए, टीम का साथ एडजस्ट करना सब कुछ, तो मेरे लिए यही बेस्ट सीजन है अभी रहेगा भी मेरे लिए। तो मैं स्टार्टिंग पे 1 month 2 महीना मैं खुद किया, मेरा ट्रेनिंग रहता था 7:30 से, 7:30 मेरा जाता था, मैं फिजियो चेक था, फिर मेरा 9 o'clock मेरा एक्सरसाइज स्टार्ट, 9 to 11, फिर मेरा 2 टाइम था स्टार्टिंग पे, एक टाइम, फिर मेरा 2 टाइम था, फिर 3 टाइम में थोड़ा एक काउंसलिंग में था, मैं कॉन्सेंट्रेट के लिए भी एक क्लास था, तो मेरे लिए इतना इजी भी नहीं था, लेकिन एक बात मैं नहीं चाहता है बोलना, क्योंकि मैं हम लोग फैन लोग से चाहता है अच्छा परफॉर्मेंस देना, अच्छा कुछ देना, लेकिन अब बोल रहा है बोल के बोल रहा है, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि सुबह उस टाइम मेरा कुक नहीं था कोई, पता नहीं अरेंज कैसे करूँ, तो उस टाइम मैं सुबह 5 बजे मैं खुद उठ के मेरा जो वेजिटेबल बॉयल करना, किनोवा करना, थोड़ा वो करके, करने के बाद मैं ब्रेकफास्ट करके फिर मेरा लंच पैक करके लेके जाता था, फिर मैं जब प्रैक्टिस से शाम को आता था 6 बजे 7 बजे, फिर मैं टायर्ड रहता था, फिर कभी कभी मैं दिन ऐसा था मैं सो जाता था ऐसे, थोड़ा बनाना कुछ खा के डिनर भी नहीं कर पाता, क्योंकि टायर्ड हो जाता, वो स्टैंडिंग होके बनाने के लिए मन नहीं रहता था, क्योंकि लेग पूरा टायर्ड रहता था। तो 1-2 महीना ऐसे किया, फिर मैं कुक अरेंज किया, फिर वो कुक ने स्टार्ट किया, तो डिफिकल्ट तो था बहुत, इसलिए मैं खुश रहता है क्योंकि वो डिफिकल्ट था, लेकिन उसका जो दुख था वो सब इस साल मेरा को गॉड ने दे दिया, तो इसलिए मैं बोला वही चीज बोलना, हार्डवर्क वही करना चाहिए, क्योंकि सोचना नहीं है, जब अभी के लिए मैं सोचता है अभी हार्डवर्क, उस टाइम में हार्डवर्क किया, फिर सबका ब्लेस था, टीम का परफॉर्मेंस था, तो इसलिए मैं सक्सेस हुआ, लेकिन मेरा हार्डवर्क नहीं बोलेगा सिर्फ मेरा हार्डवर्क है, हार्डवर्क तो था ही, लेकिन सबका ब्लेस था, फिर टीम का सपोर्ट था, टीम का परफॉर्मेंस था, इसलिए मैं, लेकिन मेरे को पता सब मेरे को बोल रहा है, लेकिन आई एम हैप्पी, मैं ट्रॉफी जीता मैं हैप्पी है, मैं हैप्पी सिर्फ है 20 मैच खेला 1-0 के बाद आके, इसलिए मैं हैप्पी है, मैं इतना अच्छा खेला वो खेला मेरे को ठीक है, फैंस लोग बोल रहा है, लेकिन मैं हैप्पी है ट्रॉफी जीता और 20 मैच खेला कंटिन्यू एक ऑपरेशन का बाद आके, तो वही मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है।